हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपूतलीला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आरजेएस की कट ऑफ के बारे में, जो राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो जैसे अभी 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट भी चेंज कर दी गई है, तो आप सभी ने देख लिया होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसकी देखेंगे कि हम पहले 2017, ठीक है, उसके बाद जैसे जो अभी भी पेपर हुआ, तो उसकी प्रीलिम्स, मेंस और जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रही, इस बार क्या रहने के चांसेस हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या कौन सी कट ऑफ रही थी और किस तरीके से आगे जो 2024 की है वो कट ऑफ रह सकती है। फर्स्ट बात करेंगे हम 2021 की, कि 2021 में क्या कट ऑफ रही थी प्रीलिम्स की। तो देखो, जर्नल की थी जो कि 72 गई थी, ठीक है, 100 में से 72 जो थी वो आपके जर्नल की कट ऑफ थी। जर्नल डिवोर्सी जो थे उनकी 58 और जो विडो थी उनकी 45, एससी की जो थी 55 और जो एससी डाइवोर्सी है उनकी 39, एसटी की 53, तो ऐसे डिवाइडेड हो गए हैं। ओबीसी एनसीएल की थी 67, ओबीसी एनसीएल डिवोर्सी की थी जो कि 63 और जो विडो थी उनकी 46 और एमबीसी एनसीएल की 46 और ईडब्ल्यूएस की 69 गई थी। ठीक है, तो आपको जर्नल का जो क्राइटेरिया है वो पता लग गया होगा कि 2021 के बाद जो अब 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। जब 72 उस टाइम गई थी, अब तो काफ़ी टाइम वैकेंसी बाद आई है, ठीक है, टाइम लिया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत प्रिपेयर बैठे हैं। ठीक है, तो 72 से अब तक जाएगी तो मतलब ये मान के चलो 80 और 85 के लमसम ये जो है जा सकती है। मेंस की कट ऑफ क्या थी, तो जर्नल की 148 थी, जर्नल में विडो डाइवोर्सी की 125, एससी एसटी की थी जिसमें एससी की 122 और एसटी की 120, ओबीसी की थी जो एनसीएल 140.5 और जो ओबीसी एनसीएल हैं, ठीक है, उनमें विडो डाइवोर्सी थी उनकी 90 थी, मोर बैकवर्ड क्लासेस में 121 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 146। तो जर्नल और इसमें सिर्फ ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होता, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं जर्नल और ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो आपको मतलब क्राइटेरिया पता लग गया होगा कि कितनी क्या कट ऑफ गई थी। अब 2021 की जो फाइनल कट ऑफ है वो जर्नल की 179.5 थी और इसमें विडो डाइवोर्सी की जो विडो की थी वो 164 और डाइवोर्सी की 159, तो ये बहुत जो है डिफरेंसेस में आ गया। एससी की थी जो कि 149, एसटी 147 पे था, ईडब्ल्यूएस 167 और ओबीसी एनसीएल थी जो 163.5, एमबीसी एनसीएल थी जो कि 141। तो जो सबसे कम थी जो एमबीसी एनसीएल की थी, ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ आई थी, इसी रैंक के हिसाब से सबको पोस्ट दी गई थी। तो देखो, इस बार जो 2019 था, ठीक है, उसमें कितनी थी प्रीलिम्स में, जर्नल की 60 थी, जर्नल विडो की 45, जर्नल डिवोर्सी की 43, एससी की 42, एसटी की 41, ओबीसी एनसीएल की 54, ओबीसी एनसीएल डिवोर्सी की 45 और एमबीसी एनसीएल की 45। तो देखो, अगर आप आइडिया लगाओ तो 2021 में था जो कि इन सभी का ग्रेड है जो कि अप हो गया, कि जो इनकी जो कट ऑफ है इसका जो लेवल है वो अप हो गया, तो 2024 में इससे ज़्यादा अप होने वाला है। उसके बाद आती है कट ऑफ 2019 की मेंस की, तो जर्नल 124, जर्नल फीमेल है जो कि 123। तो देखो, कट ऑफ जो मेंस की है उसमें भी बहुत डिफरेंस है 2021 और 2019 में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। फिर है जर्नल फीमेल विडो की 123.25, जर्नल फीमेल की थी जो 121.5, ओबीसी एमबीसी के जो सभी थे वो क्वालिफाई हुए थे, एससी के भी जो भी क्वालिफाइड हैं और एसटी के भी, वो हैव क्वालिफाई, ठीक है, ऑल जो थे वो सभी क्वालिफाई हुए हैं। तो ये बहुत कट ऑफ में डिफरेंसेस था, तो 2024 की हम एनालिसिस कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ देखो, जर्नल की 153.5 थी, जर्नल डिवोर्सी की 140.5, एससी की 124, एससी की 121, एसटी की 120 और ओबीसी एनसीएल की 136.5। 2017 की प्रीलिम्स की थी जो कि जर्नल की 63 है, ओबीसी एनसीएल की 63, एससी की 55 और एसटी की 72। तो इस तरीके से 2017 की प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी वो इस तरीके से आई थी।
कट ऑफ देखो 2017 की मेंस की जनरल की 135, एससी की 117.5, एसटी की 106.5 और ओबीसी एसबीसी नॉन क्रीमिलियर की 133। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी जो कि मेंस की थी 2017 की। कट ऑफ जो फाइनल थी 2017 की वो जनरल की 171, ओबीसी एनसीएल की 156, एससी की 144, एसटी की 131, पीएच की 161.50। अब बात करेंगे 2024 की कट ऑफ क्या रह सकती है अगर हम इसको देखें तो, इस एनालिसिस को, कि 2017 से और 2021 तक का क्या क्राइटेरिया था। 2017 से 2021 तक हमने कंप्लीट एनालिसिस करा, ठीक है। तो देखो 2017, फिर जो उसके बाद 2019 और 2021, बहुत सारा डिफरेंस है कि 2021 में इतना लेवल हाई हो गया, ठीक है, कि अब जो आपका 72 अगर जर्नल की जा रही है कट ऑफ, ठीक है, तो अब आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो कि 2024 का लेवल क्या रह सकता है। देखो इसके लेवल जो अप है वो रहने के कारण क्या है। 2024 का जो लेवल अप है उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। देखो रीज़न इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि लेवल अप रहने के, कि फर्स्ट तो है कि आपका जो पेपर है, ठीक है, वो 2021 के बाद अब होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि जब आपका पेपर 2021 के बाद 2024 में होगा तो एक जो बीच का जो गैप था, ठीक है, वो स्टूडेंट्स हैं जो कि रेडी हो गए, जिन्होंने अभी LLB की थी, ठीक है, उसके बाद वो भी जो एक लेवल था उन स्टूडेंट्स ने वो भी तैयार कर लिया कि अभी तक क्या लेवल रहा है और इससे हाई जो हायर जो अपडेट्स हैं वो क्या रहेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। तो देखो जो टाइमली वैकेंसी जब नहीं आती तो यही रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें GK GS वाला पोर्शन नहीं है आपका, ठीक है, करंट अफेयर, GK हिस्ट्री, मतलब जो GK के जितने भी पार्ट्स हैं, साथ में आपके GS के पार्ट्स हैं या फिर कोई अदर चीज़ें इंक्लूडेड है, वो कुछ भी नहीं है, ना कोई ज़्यादा लोकल एक्ट है, ठीक है, एक लोकल एक्ट डाल रखा है इसमें, और सिर्फ आपका हिंदी इंग्लिश का रहता है ग्रामर का, ठीक है। तो वो ऑलरेडी ही सबका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि ग्रामर तो सभी जुडिशरी में आती है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपका जो है लेवल हाई है, तो इसलिए जो प्रिपरेशन है वो 2021 से अप होनी चाहिए। अगर 2021 में आपने 72 देख सकते हो जर्नल की है, तो आपको जो है इससे अप होनी चाहिए। WA 69 गई है तो इसमें कम से कम आप है जो कि 75-80 समथिंग ऐड करो, और जो जर्नल है उसके अंदर आप जो है मिनिमम क्राइटेरिया माने तो 85 तक ऐड करोगे, तब जाके आप जो है प्रीलिम्स निकाल पाओगे, ठीक है। तो यही जो है पूरा एनालिसिस है इसका, बाकी जब पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर आने के बाद ही कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जाएगा।